IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 6 पायदान फिसलकर 59वें स्थान पर आ गया है। निम्न गुणवत्तापूर्ण जीवन और शिक्षा पर कम खर्च सहित कुछ अन्य कारणों के चलते 63 देशों की इस सूची में भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा तैयार इस सूची में स्विट्जरलैंड फिर से प्रथम स्थान पर रहा है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 3 प्रमुख श्रेणियों में किए गए प्रदर्शन को आधार बनाकर तैयार की जाती है। इनमें निवेश व विकास, आकर्षण और तैयारी शामिल है। इस रैंकिंग में भारत ब्रिक्स के अपने सहयोगी देशों से भी पिछड़ गया। सूची में ब्रिक्स के सदस्यों में चीन 42वें, रूस 47वें और दक्षिण अफ्रीका 50वें स्थान पर रहे। IMD के मुताबिक भारत में जीवन की गुणवत्ता और प्रतिभा पलायन जैसे मुद्दों पर बहुत कम काम हुए हैं। इन मामलों में भारत उन एशियाई देशों में शामिल है जहां इस दिशा में प्रयासों का घोर अभाव दिखता है। भारत के अलावा चीन की रैंकिंग में भी 3 स्थान की गिरावट दर्ज की गई है। एशिया के अन्य देशों में सिंगापुर सबसे ऊपर रहा, उसकी रैंकिंग में 3 स्थानों का सुधार हुआ है। पिछले वर्ष यह 13वें स्थान पर रहा था।